छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और सांसद नकुल नाथ के नेतृत्व में परासिया कोयलांचल में संविधान बचाओ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में नकुल नाथ ने कहा कि भाजपा देश से संविधान को खत्म करना चाहती है। संविधान दिवस के दिन कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने परासिया विधानसभा में संविधान बचाओ यात्रा निकाली। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी को इतने साल संविधान की याद नहीं आई, पर चुनाव करीब आते ही संविधान को बचाने की बात की जाती है। बताते चले कि छिंदवाड़ा को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार भाजपा की इस लोकसभा सीट पर पैनी नजर है। सीट को हासिल करने के लिए भाजपा हर हथकंडे अपना रही है। भाजपा बहुत हद तक तो कांग्रेस को तोड़ने में सफल भी हुई है। छिंदवाड़ा में बड़ी संख्या में कमलनाथ के खास करीबी लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा 400 पार केवल संविधान बदलने के लिए ये नारा इन्होंने चलाया है। मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे आदिवासी वर्ग को, ओबीसी वर्ग को, एसटी वर्ग को कानून बनाकर, संसद में कानून बनाकर आरक्षण दिया है। इन लोगों को, ओबीसी वर्ग को, एसटी एससी वर्ग को, उनका हक, उनका अधिकार, उनका आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और आज ये भारतीय जनता पार्टी वन इंडिया एक भारत के नाम पर, वन इंडिया एक भारत के नाम पर हमारे ओबीसी एसटी एससी वर्ग से ये आरक्षण छीनना चाहती है। लेकिन मैं यहाँ उपस्थित सभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि जब तक कांग्रेस पार्टी है, कोई मई का लाल ये आरक्षण छीन नहीं सकता आपसे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।